नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका HN अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 जो हमारी है पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसकी सेकेंड क्लास करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने MDG और SDG गोल किए हुए थे। MDG गोल कितने होते हैं? 8, और SDG गोल कितने थे? 17। MDG गोल को कब तक पूरा करना था? 2015 तक। और SDG गोल को कब तक पूरा करना था? 2030 तक पूरा करना है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इसके बाद हमारा और टॉपिक रहेगा एनवायरमेंटल इशू लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट्स में क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। ये टर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या होता है पारिस्थितिकी की, इसको क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी शब्द। 1869 में अर्नस्ट हेकल, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, द्वारा दिया गया था, ठीक है। पारिस्थितिकी अपने प्राकृतिक घर में जीवों के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिक किससे संबंध है? जो हमारे जीव जंतु हैं उनके, उनसे संबंधित है। पारिस्थितिकी उन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवन सॉरी जो जीवित जीवों का एक दूसरे के साथ उनके प्राकृतिक वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में है। मतलब जो जीव जंतु हैं उनका कैसा एनवायरनमेंट है, उनके आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, उस सब से रिलेट करता है। इसके बाद एक और टर्म है इकोसिस्टम, ठीक है। ये टर्म किसने दिया था? ऑर्थर टेंसले द्वारा दिया गया था 1935 में। इसमें भी क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र जीवित जीवों प्रजातियों का एक स्व विनिमय समुदाय है जो एक दूसरे के साथ और उनके निर्जीव भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत मतलब इंटरेक्शन रखते हैं, आपस में संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं? वन पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि झाड़ियों का एक झुरमुट क्या होगा समूह भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पानी की एक बूंद भी पारिस्थितिकी तंत्र में आती है, और समुद्र जो सबसे बड़ा होता है वो भी किसमें आता है? पारिस्थितिकी तंत्र में। और सारे लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ग्रह पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जुड़े हुए, अन्योन्याश्रित और साथ में है जीव मंडल कहलाते हैं। ये सारा जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जीव मंडल। इसके बाद हमारी है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं? मानव जनित गतिविधियां। ये बहुत हानिकारक होती हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मूल रूप से दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक प्राकृतिक होती है, इसके बाद मानव निर्मित। प्राकृतिक गतिविधियों का अर्थ है स्वाभाविक रूप से घटित होना। प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्रोसेस, जैसे बाढ़ आती है, तूफान वगैरह आता है, तो ये सारी कैसी होगी? नेचुरल गतिविधियां। और मानव निर्मित गतिविधियों को मानव जनित गतिविधियां भी कहा जाता है। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसी पर रिलेटेड है, मानव जनित गतिविधियां। मानवीय प्रयासों से मानव जीवन स्थितियों में सुधार करना, एक बार जब वे एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वे मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानव जीवन के बिना प्राकृतिक वातावरण में होने वाली मानव जनित गतिविधियों का विरोध किया जाता है। ऊर्जा की खपत और इन स्रोतों से संबंधित तकनीकी विकास की विकास मानव निर्मित प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऊर्जा की खपत और जो हमारी टेक्नोलॉजी के लिए चीजें यूज की जाती हैं वो मानव निर्मित सारी होती हैं, लेकिन वो मानव के लिए ही बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं, ठीक है। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, पोषक तत्वों की कमी आदि, जब हमारी कृषि का कैसे नुकसान पहुंचता है, इन सब चीजों का
वनों की कटाई की जा रही है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण पर इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके का इफेक्ट देखा जाता है। उर्वरक संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम इन सबका जब ज़्यादा यूज किया जाता है कृषि में, तो ये भी भूजल जो हमारा पीने वाला पानी है उसको इफेक्ट करती है। यूट्रोफिकेशन, ये टर्म आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या होता है, कृषि में जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है तो ये मानव जीवन पे बहुत बुरा असर डालती है। कीटनाशक से संबंधित समस्याएं, जैसे हम लोग खेती के टाइम पे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कीड़े वगैरह को दूर करने के लिए, लेकिन उनका जब ज़्यादा प्रयोग होता है तो वो, जैसे मान लो कोई सब्जी की खेती हो रही है उस पर कीटनाशक का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, जब वो आती है मार्केट में आती है उसके बाद घरों में आती है तो कहीं ना कहीं वो केमिकल मानव के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद है माइनिंग एक्टिविटी, मतलब खनन से संबंधित क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। खनन किस लिए किया जाता है, बेहतर जीवन के लिए पृथ्वी से खनिजों और धातुओं का निष्कर्षण है, मतलब कि अच्छे जीवन के लिए धातुओं और खनिजों को निकालने के लिए खनन का उपयोग करते हैं। खनन का पर्यावरणीय प्रभाव, ऐश की गुणवत्ता, खनन प्रक्रियाएं, स्थानीय जल विज्ञान संबंधी स्थितियां, संसाधन के विकास के चरण आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। भूदृश्य का अपघटन और विरूपण, भूमि का धसना, भवनों का झुकना, मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, ये सब खनन के दुष्प्रयोग हैं। इसके बाद भूजल संदूषण, सतही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे। अब जो लोग खनन के दौरान काम करते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उस पर क्या क्या इसका इफेक्ट देखा गया है, मानव जनित गतिविधियों का। परिवहन उद्योग हर साल कई मिलियन टन गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है, जितनी भी हमारी गाड़ियां यूज होती है, ट्रांसपोर्ट यूज होता है, उससे कितनी विषैली गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, कितनी पोल्यूटेड होती है, मतलब अजीब अजीब सी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, भारी धातुएं जिंक, क्रोम, तांबा, कैडमियम और कड़ पदार्थ, राख धूल। राख धूल क्या होता है, आप देखा होगा कितनी ज़्यादा धूल वगैरह ये सब देखने को मिलती है जहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का उपयोग होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मेनली क्या होता है कि बहुत सारी गैस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती हैं और मानव को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी गैसें हैं जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड समतापीय मंडल ओजोन परत को नष्ट करने में भाग लेता है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो स्वाभाविक रूप से परावैगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की स्क्रीन करता है। अब ओजोन परत क्या होती है, जो परावैगनी किरणें हैं उनसे पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है, लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये किस वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, ये उस ओजोन परत पे भी इफेक्ट डालती है। इसका CO, CO2, CH4, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि में भाग लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किस वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देने में काम करती हैं। मिट्टी पर परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव में मिट्टी का क्षरण और मिट्टी का संदूषण शामिल है, जो परिवहन उद्योग द्वारा जहरीले पदार्थों के उपयोग के माध्यम से होता है। मिट्टी का क्षरण वगैरह ये सब भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूषित हो जाए है, जो मानव के लिए ही बहुत हानिकारक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इशूज, पर्यावरण के मुद्दे क्या क्या हैं। अब मुद्दे स्थानीय स्तर पे भी होते हैं, क्षेत्रीय, वैश्विक, मतलब ग्लोबल स्तर पे भी होते हैं।
लोकल लेवल, रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल, ये सारे एनवायरमेंटल इशू देखने को मिलते हैं। तो स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है, कुछ स्थानीय वनों का मिट्टी का क्षरण देखने को मिलता है, एक ही शहर में विभिन्न प्रदूषण स्तर, भूस्खलन आदि, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके क्षेत्रीय क्या क्या देखने को मिलते हैं? मरुस्थलीय और सूखा पड़ जाता है, बाढ़ और मिट्टी का कटाव, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र तट का क्षरण, खारी पानी की घुसपैठ, परिणाम स्वरूप लवणता में वृद्धि, बाढ़ के नुकसान, तटीय आर्द्रभूमि के लिए खतरा और कृषि के लिए खतरा। ठीक है, तो ये सब रीजनल लेवल पे देखने को चीजें मिलती है। वनों की कटाई, इसके ग्लोबल कौन कौन से होते हैं हमारे? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उत्तरी मतलब जो ईस्ट सॉरी नॉर्थ साइड के लोग हैं, आबादी का सिर्फ 20% से अधिक हिस्सा है, लेकिन दुनिया की 80% ऊर्जा की खपत होती है। जो हमारे नॉर्थ साइड के हिस्से हैं उनमें आबादी का 20% ही हिस्सा रहता है, लेकिन ऊर्जा खपत कितनी होती है? 80% तक। दूसरी ओर दुनिया के विकासशील देशों में शामिल दक्षिण साउथ अभी भी अपनी आबादी के लिए भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य, जैव विविधता, जीवन की विविधता की हानि जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है, वनस्पतियां और जीवन दोनों सहित। मतलब जो हमारे साउथ साइड की चीज़ें हैं वहाँ भी खाने पीने रहने ये सब समस्याएँ देखी जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं, और यहाँ तक कि मानव को भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दूषित करती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण पर्यावरण में एक नकारात्मक अवांछनीय परिवर्तन है। प्रदूषण क्या होता है कि पर्यावरण में ऐसी कुछ चीज हो रही है जो आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत दूषित करती है, उसका मानव की हेल्थ पे या फिर वैसे भी चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जो आमतौर पे कुछ खतरनाक या हानिकारक होता है। ठीक है, प्रदूषण खतरनाक या हानिकारक होते हैं। इसके बाद सड़ने योग्य या गैर स्थायी प्रदूषक जैसे घरेलू सीवेज, ठीक है, छोड़ी गई सब्जियां प्राकृतिक प्रक्रियाएं द्वारा टूट जाती हैं, मतलब सब्जियां छोड़ जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उनसे जो भी चीज़ें होती हैं वो भी मानव को हानि पहुंचा सकती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण मतलब रेडिएशन प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जो बहुत नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये एयर पोल्यूशन है, जो जितना हमारा ट्रांसपोर्ट यूज होता है या फिर जो हमारी ये क्या कहते हैं भट्टियाँ होती हैं, इनसे जो धुआं निकलता है ये सब वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। वाटर पोल्यूशन देखा है कि कितना कूड़ा वगैरह सब नदियों में या सब में ऐसे लोग फेंक देते हैं, इससे क्या होता है जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी कितनी मृत्यु देखी गई है, कहीं उनके गले में कुछ फंसा हुआ मिलता है, कहीं कोई चीज़ें होती हैं, तो ये सब क्या है। और वैसे भी जो पीने का पानी है उसको भी ये सब चीज़ें बहुत गंदा करती हैं। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण का उदाहरण हो गया। इसके सॉयल मतलब मृदा प्रदूषण, और वाटर जल प्रदूषण, एयर हवा प्रदूषण। ठीक है, अब मिट्टी देखो हमारी कैसे दूषित होती है, ये खनन का वो दिखाया गया है, तो ये सब एक्टिविटी से मिट्टी मतलब मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, लाइट प्रदूषण, इसके अंदर नॉइज, इससे बहुत सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं देखने को आजकल मिलती हैं, ये बहुत ही बुरा इफेक्ट कर रहा है। थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो ये सारे हमारे क्या हो गए प्रदूषण के टाइप है, टाइप ऑफ पोल्यूशन है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है,
इसे वायुमंडल प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। प्रदूषकों के कारण प्राकृतिक वायुमंडलीय स्थितियों की वायु गुणवत्ता में गिरावट को वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो भी हमारी चीजें यूज होती हैं, चिमनियाँ वगैरह होती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है या फिर ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, ये सबसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण के भी टाइप होते हैं, कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी सेकेंडरी प्रदूषण वायु प्रदूषण के अंदर आते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब प्राथमिक प्रदूषक जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, सीधे स्रोत से वातावरण में प्रवेश करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदूषक इस प्रकार है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, छोटे छोटे कण हैं उनमें कैसे देखने को मिलती है। जैसे देखा है कि बहुत ज़्यादा जहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब यूज होता है तो वहाँ की हवा एकदम धुंधली धुंधली या थोड़ा ब्लैक ब्लैक से ऐसे सब चीज़ें देखी जाती हैं। कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन मीथेन सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड लेड, ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी प्रदूषक के कुछ मैटर दिखाए गए हैं। इसके बाद हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, द्वितीय प्रदूषक, ये सीधे स्रोतों से उत्सर्जित नहीं होते, ये प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राथमिक प्रदूषकों और कुछ वायुमंडलीय घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। हमारे जो प्राइमरी प्रदूषक हैं ये सारे, ये क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्ट करते हैं जिससे हमारा सेकेंडरी पोल्यूशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, सल्फेट नाइट्रस और कार्बनिक कणों को सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, मतलब ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं चीज़ें। इसके बाद हमारे एक टर्म और होता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ये भी बहुत खतरनाक होती है। जो हमारा ताजमहल का रंग जो पीला पड़ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अम्लीय वर्षा की वजह से। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर उठ सकते हैं जहाँ वे पानी ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं जिन्हें अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये इसे हवा में जाके जैसे हमारी बारिश का जो सिस्टम होता है उसका भी यही होता है, लेकिन इसमें ये गैसें मिली होती हैं तो ये ऊपर जाके फिर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स भी चलाई गई हैं एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए। वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए प्रमुख सरकारी पहले, नंबर एक कौन सी है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसका दूसरा हमारा है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। इसका तीसरा वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली। ये सब तीन है जो एयर पोल्यूटेंट या एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से इनिशिएटिव किए गए हैं। तो सबसे पहले वाला हमारा देखते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के रूप में ज्ञात परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं, NAQI, जनता के लिए आसानी से समझ में आने वाले रूप में वायु गुणवत्ता पर जानकारी का प्रसार करने के लिए 17 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो एक इंडेक्स टाइप का देते हैं कि कहाँ पे कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, PM10, PM को क्या होते हैं, पार्टिकुलर कुलेट मैटर, इसका आकार कितना होता है, 10 माइक्रोन से भी कम होता है। PM 2.5
इसका 2.5 माइक्रो क्रोन से कम आकार होता है। ये सारे कण हैं प्रदूषित जो हमारे वायु में पाए जाते हैं। इसके बाद है NO2 और CO2, ये सब तो गैसे ही हैं, आपको पता ही होंगे, ठीक है। NO2, SO2, इसके बाद CO, ओजोन, अमोनिया, लेड, ये सब क्या है, वायु में पाए जाने वाली है। तो इसी के बेसिस पे जो हमारी नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है वो एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि किस देश में या किस जिले में वायु प्रदूषण का क्या पैमाना रहा है, हर साल ये देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। भारत में लगभग 12 प्रदूषकों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अलग से निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें 8 शामिल हैं जो NAQI का गठन करते हैं। अतिरिक्त 4 प्रदूषक आर्सेनिक, निकल, बेंजीन और बेंजो पायरीन है, ठीक है, 8 करते हैं। इसके बाद इसमें 4 ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद PM2.5 विशेष रूप से खतरनाक है और मानव श्वसन प्रणाली में इसकी अधिक भेदन क्षमता और मानव अंगों और रक्त में अंततः संचय के कारण प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव कर सकता है। जो हमारा PM2.5 है ये किसके लिए खतरनाक होता है, जो हमारी सांस लेने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद खून को भी ये दूषित कर सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं किससे होती हैं, PM2.0 से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मानव के लिए। और ये PM की सांद्रता सर्दियों के मौसम में अधिक होती है और मानसून के महीनों में कम होती है। सर्दियों में ये ज़्यादा उससे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर में कोरोना का देख सकते हैं कि कहते थे कि ये सर्दियों में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ये गर्मियों में कम, ऐसे तो। लेकिन ये जो PM2.5 है इसका यही है, सर्दियों में ज़्यादा एक्टिव होता है और मानसून के जो महीने होते हैं उनमें कम एक्टिवेट रहता है। तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, श्वसन संबंधी बीमारियाँ और हमारे जो रक्त संबंधी बीमारियाँ होती हैं वो किससे होती हैं, PM2.5 से। इसके अलावा तीसरा है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या है, IOES, भारत सरकार ने वायु गुणवत्ता पर स्थान विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए भारत के बड़े महानगरीय शहरों के लिए सफर के रूप में जाने वाली वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली नामक एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है। निकट वास्तविक समय में और भारत में पहली बार 1 से 3 दिन पहले इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसे मौसम के मापदंडों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है। सफर प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित की गई है। एक सफर नाम का ये विकसित किया गया है जो क्या करता है, 1 से 3 दिन पहले की निकट की जो भी घटनाएं होने वाली हैं कुछ भी पहले से अनुमान इसका लगा लेता है, ठीक है। और इसका कहाँ पे है, ये पुणे में उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद हम अपना देखेंगे जल प्रदूषण, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण जीव सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्यों तक सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, दुनिया का 3% से भी कम पानी ताजा है जहाँ बाकी समुद्री जल है। मतलब जो हमारे पीने का पानी है वो कितना है, 3% से भी कम है। जो हम पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है उसमें भी कहा है जहाँ बाकी समुद्री जल पीने योग्य नहीं है। समुद्री जल कैसा खारा होता है तो वो पीने योग्य होता नहीं है। इस 3% में से 2.5 से अधिक हिमनद के रूप में जमे हुए हैं। मतलब हिमनद जो है हमारे ग्लेशियर बोले जाते हैं उनके रूप में भी है। इस 3% में भी ये जो 3% पानी पीने वाला है ताजा पानी, उसमें भी 2.5 हिमनद है जो आर्कटिक और अटलांटिका क्षेत्रों में बंद है।
ठीक है, और वे मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार मानव को मनुष्य और पारिस्थितिकी तंत्र की सभी ताजे पानी की जरूरतों के लिए शेष 0.5 पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब हमारे पीने के लिए कितना पानी है, 0.5%। आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम पानी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वो हमें मिलता है, और उसको भी हम लोग सारे मिलके दूषित करने में लगे हुए हैं। सारा हमारे कूड़ा कचड़ा है या कोई और भी चीजें हैं, सब नदियों में जाता है सब ऐसे, तो प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद इसके टाइप देखेंगे, जल प्रदूषण के क्या क्या टाइप है। तो जल प्रदूषण दो प्रकार का होता है, बिंदु स्रोत, गैर बिंदु स्रोत, इसको पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन ये बोलते हैं। बिंदु स्रोत समाधान, विशिष्ट स्रोतों द्वारा जल निकाय में हानिकारक पदार्थों का निर्वहन से संबंधित है। ताप बिंदु संयंत्रों से औद्योगिक अपशिष्ट जल और गर्म पानी बिंदु स्रोत का कारण बन सकते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह है, थर्मल पावर प्लांट है, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब किसके कारण बनते हैं, हमारे जल प्रदूषण के। इसके नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन जो दूसरे टाइप के जल प्रदूषण वो क्या है, नगरपालिका अपशिष्ट जल। नगरपालिका क्या हो गया, घरेलू स्रोतों जैसे कि रसोई और शौचालय से अपशिष्ट जल कभी कभी नदी और पास के बड़े जल निकाय में छोड़े जाते हैं। हमारे जो घर में जो भी चीजें यूज होती है रसोई में या फिर शौचालय से संबंधित, तो ये इनके सबके बहाव कहाँ छोड़े जाते हैं, नदी या जो हमारे नाले आसपास हैं उनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण होता रहता है। सतही बहाव, कृषि में अपनाई जाने वाली प्रथाएं भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। संगन खेती से उर्वरक और कीटनाशक भूजल में रिस जाते हैं, जहाँ इस प्रकार की लीचिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कृषि संबंधी जो भूजल की गुणवत्ता है उससे क्या होता है कि जो कीटनाशक हम लोग यूज करते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, लीचिंग क्या बोलते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा तेल रिसाव, तेल रिसाव पेट्रोलियम का महासागरों या मोहल्लों में आकस्मिक निर्वहन जिसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदूषण होता है। तेल रिसाव तेल के टैंकरों के पलट जाने या अपतटीय तेल खनन और तेल की खोज के कारण होता है। तेल का जो रिसाव होता रहता है, मतलब जो टैंकर वगैरह उनको लेके जाते हैं वो पलट जाए, या फिर उन जो तेल की कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वहां से कैसे भी तेल का कुछ ना कुछ, तो वो सारा कहाँ पे जाता है, वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, हमारे जल में ही जाता है। तो जल जो हमारा केवल पीने वाला कितना है, 0.5%, वो भी बहुत ज़्यादा दूषित होता रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी जैविक कचरे के उच्च स्तर बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की दर को बढ़ाते हैं, जो इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी आती है, जैव आवर्धन, जिसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ऑक्सीजन डिप्लोमेशन मतलब ऑक्सीजन जो हमारी अच्छी है उसमें कमी आती रहती है, ठीक है। जब हम उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आदि की ओर बढ़ते हैं, तो जीवों के शरीर में किसी विषैले रासायनिक का संचय जैव आवर्धन कहलाता है। क्या होता है कि जैसे जब हम लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई जैसे जानवर मर गया है तो वो ऐसे पड़ा रहता है, तो उससे उसके सड़ जाने पे उसके शरीर से जो विषैले रासायनिक पदार्थ निकलते हैं ये किसका एक पार्ट है, बायोमैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, ये सारे टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। और इसका PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ के समझ लेना, ठीक है। इसके बाद कृषि क्षेत्रों से जल निकाय में पहुँचने वाले अकार्बनिक पोषक तत्व जल निकाय की पोषक सामग्री को बढ़ाते हैं,
अब कृषि क्षेत्रों से जो भी अकार्बनिक तत्व निकलते हैं वो भी जल प्रदूषण के बढ़ाव का कारण बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन। इसके बाद हमारा है मृदा प्रदूषण और उसके क्या कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट, म्यूनिसिपल और मेडिकल वेस्ट, कुछ वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, एग्रोकेमिकल जैसे कीटनाशक हो गया, खरपतवार नाशी हो गया, अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरक जो हम लोग कृषि में यूज करते हैं, केमिकल वगैरह, कीटनाशक, ये सब, खुली खदान, खनन, जो खनन के क्षेत्र हैं जो खुले हैं और उन पर काम हो रहा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। आसपास जिसे मैं बताया था कि मकान गिर जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो ये सब किसके कारण है, मृदा प्रदूषण के। ई कचरा, अब ई कचरा क्या होता है, इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी आदि की को लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। चूंकि ये विषैली प्रकृति के होते हैं, ये मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, विषाक्त पदार्थ लैंडफिल से निकल सकते हैं, भूजल को भी खराब कर सकते हैं। अब हमारे जो ये सब चीजें, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, तो क्या होता है, जब ये खराब हो जाते हैं, इनको हटाने के बाद इनको मिट्टी के अंदर ऐसे दबा देते हैं कि, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा होता है तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो क्या होता है कि इनसे विषैली गैसें निकलती हैं जो जल को भी प्रभावित करती है, मिट्टी को भी दूषित करती हैं। इसके कीटनाशक और उर्वरक, तापमान, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान उर्वरकों, कीटनाशकों और जैविक नियंत्रण का उपयोग करते हैं जो हमारी मृदा को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। तो समझ में आ गया, जल प्रदूषण हमने पढ़ा, वायु प्रदूषण पढ़ा, मृदा प्रदूषण पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण शोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मात्रा अधिक होने या लंबे समय तक संपर्क रहने पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बन सकती है। ये हमारे शरीर पे भी गलत इफेक्ट डाल सकती है। इसके बाद हमारे मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे दिमाग पे भी साइकोलॉजिकल रूप से भी डैमेज कर सकती है। शोर को अवांछित ध्वनि के रूप में सभी परिभाषित किया जाता है जहाँ एक परेशानी या तनाव का स्रोत है। जैसे कि ज्यादा शोर होता है तो इरिटेशन होने लगता है या फिर सर दर्द वगैरह, ये सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसकी यूनिट को टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में चुना गया था। अब ये ध्वनि का जो मेजरमेंट है जिसको डीबी, ध्वनि को किस में मापा जाता है, डीबी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसको किसके उसमें किया गया था, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब इसके नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है, उद्योग हो गया, वाहन, ध्वनि प्रवर्तक, संगीत प्रणाली और लाउडस्पीकर, पटाखे। तो सरकार ने लाउडस्पीकर पर रोक भी लगाई कि 12 बजे के बाद नहीं बजाना है, लेकिन बहुत सारे जगह देखी जाती है कि सरकार की कोई चीज़ नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, इसके सबसे इंडस्ट्री ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है, वाहन ये भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, यात्री विमान और लड़ाकू विमान जितने भी हमारे विमान वगैरह यूज होते हैं, पटाखे जो दीपावली या वैसे कोई चीज पे चलाए जाते हैं, ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के सोर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉइज पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। WHO ने शोर को सबसे खतरनाक कारकों में से एक बताया है। जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे भीड़भाड़ ज्यादा होती है उनमें ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे क्या क्या हो सकता है, बहरापन हो जाता है, इसके बाद शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। मास्किंग एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि पर्यावरणीय संकेतों और जो पशु संबंधी संकेत है उनको सुनने में असमर्थता देखने को मिलती है। हृदय की गति को प्रभावित करता है ये। ठीक है, परिधीय परिसंचरण और श्वास पैटर्न, मतलब जो हमारे ब्रीथिंग
पैटर्न है उसको भी प्रभावित करता है। लगातार शोर वाला वातावरण उत्पादकता को कम करके चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और नींद न आने के कारण बन सकता है। तो ये सब किसके इफेक्ट है? ध्वनि प्रदूषण के। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल वेस्टेज हमारे कौन कौन से हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990 के अनुसार अपशिष्ट को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्क्रैप सामग्री या किसी भी प्रक्रिया के आवर्तन में उत्पन्न होने वाला एक अपशिष्ट या अन्य अवांछित अधिशेष पदार्थ है। एनवायरमेंटल वेस्ट क्या होता है कि जो भी हमारा कुछ अपशिष्ट पदार्थ है जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है किसी भी रूप में, वो किस में आता है? एनवायरमेंटल वेस्ट में आता है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, एनवायरमेंटल वेस्ट के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल कचरा, इसके बाद गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा, इसके बाद बायोमेडिकल। इसमें अब सबसे पहला जो हमारा है उसमें क्या होता है, वे माइक्रोबिलियन गतिविधि माध्यम से खराब हो जाते हैं। प्रमुख उदाहरण खाद अवशेष और मानव मल है। ठीक है, जिसको मतलब बायोडिग्रेडेबल के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके दूसरा है हमारा कौन कौन सा हो सकता है, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, ग्लास, जिनको कह सकते हैं कि रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा के रूप में आती है। बायोमेडिकल आमतौर पर दवा से बचे हुए पदार्थ जैसे सुई, सिरंज, शरीर के अंगों को बायोमेडिकल कचरे के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर चार भी है यहाँ पे, ये ई वेस्ट, कंप्यूटर के पुर्जे, बैटरी, सीएफएल बल्ब, इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। हमारा ई कचरा कौन कौन सा हो गया, तो कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी, ये सब चीज़ें कैसे होंगी जो जमीन के अंदर दबा दी जाती हैं, ये भी एनवायरमेंटल वेस्ट में आता है। इसके वेस्ट के कौन कौन से कारण है, एक तो घरेलू कचरा हो गया हमारा, औद्योगिक अपशिष्ट होता है, कागज उद्योग, कागज की जो कंपनियां हैं उनसे भी वेस्ट प्राप्त होता है, कपड़ा उद्योग, पेट्रोलियम, रासायनिक धातु मतलब जो खनन जैसी है चीज़ें हैं, सीमेंट। अब घरेलू में क्या क्या, पॉलीथीन, बोतलें, भोजन, ये सब चीज़ें जो वेस्ट फेंक दिया जाता है वो सब इन्वायरमेंटल वेस्ट है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक कौन कौन से, खाद प्रसंस्करण, जैविक अपशिष्ट, रोगजनक, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं क्योंकि उससे रेगुलर बेस पे वेस्ट निकलता रहता है जो मानव को और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। कागज में क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल, मरकैप्टन, ये सब कागज बनाने में उपयोग किया जाता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार से ये सब चीज़ें कार्बन, पेट्रोलियम हो गया, अकार्बनिक सल्फर, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक अम्ल, धातु जो खनन की प्रक्रिया हमारी होती है उसमें तांबा, सीसा, क्रोमियम, कैडमियम, इस खनन से भी वेस्ट प्राप्त होता है। जो अभी हम लोग सब ऊपर पढ़ के आ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सीमेंट से क्या होता है, पार्टिकुलर मैट जो हम लोगों ने पढ़ा था, PM2.5 जो किसको इफेक्ट करता है, हमारी श्वास से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके बाद धूल, ये सब किसके हैं, एनवायरमेंटल वेस्ट है ये सब। इसके बाद सॉलिड वेस्ट, अब इसके भी टाइप है एनवायरमेंटल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है सॉलिड वेस्ट, एक ठोस कचरा, मूल रूप से एक ठोस या अर्ध ठोस घरेलू कचरा, सैनिटरी कचरा, वाणिज्य कचरा, संस्थागत कचरा, ये सब ठोस कचरे की कई श्रेणियां हैं जैसे खाद अपशिष्ट कचरा, सड़क पर सफाई करने वाला कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंध, सफाई और स्वच्छता के संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। मतलब इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को क्या चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान
किसने चलाया था, कब चलाया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान, ये सारा क्या है, ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी अभी, ये सब किस में आती है, ठोस वेस्ट में। अब इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कंपोजिटिंग इकाई ये कचरे को मूलवान जैविक इनपुट में बदलकर टिकाऊ पोषक तत्वों के रूप में पुनः उपयोग का चक्र है। ये मिट्टी की जीवन शक्ति, जड़ वृद्धि और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में, सुधार करने में मदद करता है। मुख्य उद्देश्य केवल जैविक कचरा एकत्र करना है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं कि इसको रिसाइकिल करके और उसी को कोई दूसरी चीज में उपयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए बायो मेथेनेशन, ठीक है। ज्वलनशील अंशों से शुष्क ईंधन के रूप में ऊष्मा ऊर्जा की वसूली, ये सब क्या है, हमारे जो ठोस अपशिष्ट है उसके मैनेजमेंट के उपयोग वो है टर्म, ठीक है। इसके हमारा कौन सा है दूसरा, लिक्विड तरल अपशिष्ट। अब तरल अपशिष्ट में क्या आ जाता है, जो हमने देखा था कि टैंकरों वगैरह से तेल का रिसाव वगैरह होता रहता है, तो ये सब किस में आते हैं, तरल में। जल, वसा, तेल या प्रयुक्त तेल, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, गैस या कीचड़ और खतरनाक घरेलू तरल पदार्थ हैं जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या संभावित रूप से हानिकारक होते हैं, उन्हें तरल औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। इसको वर्गीकृत वाणिज्यिक उत्पादों को भी त्याग दिया जा सकता है, जैसे सफाई, तरल पदार्थ या कीटनाशक का निर्माण प्रक्रियाओं के उत्पाद, जो हमारे लिक्विड इंडस्ट्री वेस्ट होता है, मतलब जहाँ पे लिक्विड बनता है, तेल हो गया, ये सब चीजें, तो उनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो सब किस में आते हैं, लिक्विड वेस्ट, मतलब तरल पदार्थ। एक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, इसके बाद एक और होता है गैस, ठीक है। इसके बाद लिक्विड वेस्ट कौन कौन से हैं, इनके मैनेजमेंट के क्या कारण है। तरल कचरे के निपटने के लिए निम्नलिखित मुख्य तरीके हैं, यहाँ पे हिंदी गलत लिखी है, डाइल्यूट कर लेते हैं, यांत्रिक उपचार, जैविक उपचार, रासायनिक उपचार, ठीक है। ये सब किसके हैं, तरल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के कारण। इसके बाद है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, ये क्या है, ये मानव या पशु अनुसंधान गतिविधियों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या जैविक या स्वास्थ्य शिविरों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट है, जो पशु हो गए, मानव हो गए, इनकी निदान से संबंधित जो भी स्वास्थ्य शिविर चलाए जाते हैं, टीकाकरण वगैरह होता है, ये सब किस में आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में। इस तरह के अच्छे अभ्यास के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, इसको 3 R बोला जाता है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ठीक है। इसको तो रिड्यूस कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं और रीयूज कर लेते हैं। उत्पादन से बचना है या निपटान के बजाय जितना संभव हो उतना कचरा पुनर्निर्माण, मतलब पुनः प्राप्त करना है, इसे इसको रिड्यूस कर लेते हैं। बहुत सारे देखे गए कि जो कचरा होता है उसको रिसाइकिल करके फिर से, जैसे पॉलीथीन वगैरह, बोतल वगैरह, ये सब इन सब चीजों में आ जाते हैं, ठीक है। इसके हजार्डस वेस्ट, ये क्या कहते हैं, कोई भी अपशिष्ट जो अपने भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाशील विषाक्त, तो ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षारक गुणों के कारण खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने की संभावना, इसको क्या कहते हैं, खतरनाक पदार्थ। ये क्या है, खतरनाक, जो बहुत ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में रखे गए हैं वो क्या बोले जाते हैं, हैजार्डस वेस्ट। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के घटक, घरेलू रसायन, नैनो कणों में शामिल करने वाले उत्पाद, वाणिज्यिक औद्योगिक अपशिष्ट, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरे ये सब किसकी श्रेणी में रखे हैं, खतरनाक पदार्थ की श्रेणी में। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशंस दी गई हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, बेसल कन्वेंशन और हजार्ड वेस्ट, खतरनाक कचरे पर बासिल सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 2006, इसके बाद है
12 पे मिनमाता सम्मेलन 2014, तो ये सारे एग्रीमेंट किसके ऊपर रखे गए हैं, जो हमारे खतरनाक अपशिष्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन रखे गए हैं। इसके बाद हमारा एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है इसको भी हम देखें। UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में उत्पादित 40 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे पुराने स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, अप्रचलित रसोई उपकरणों को विदेशों में भेजा जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। मतलब जो हमारे UNEP है उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि 40 मिलियन टन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो यूज्ड है, टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह, तो इनको विदेशों में बहुत सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग दोबारा से उस चीज़ को यूज़ करके नई चीज़ें, तो उससे भी जो ये कचरा होता है ये भी हमारे मानव जीवन पर बहुत बुरा असर डालता है। अवैध ई कचरे अधिकांश हिस्सा लैंडफिल, भस्मक और खराब उपकरणों में समाप्त हो जाता है। मतलब इसमें भी जो बहुत ज़्यादा वैसा है तो वो क्या होता है, जैसे अवैध रूप से जा रहा है तो उसको फिर वही मिट्टी में दबाना, उसको जलाना, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वायु को या मानव को हानि पहुँचाने का काम करती हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का जीवन काल छोटा होता है, विकल्पों की उपलब्धता, उत्पादों की सामर्थ्य, जीवन की बदलती गति, तेजी से शहरीकरण और बढ़ी हुई क्रय क्षमता। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज़ तो करते ही हैं, आजकल तो सारे लोग यूज करने लगे हैं। जैसे हमारा मोबाइल के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग मोबाइल मतलब साल दो साल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सारा कचरा ही इकट्ठा होता रहता है और वो ऐसे जाके लैंडफिल हो गया, भस्मक हो गया, ये सब चीज़ों में जाके उपयोग होके जो उसे गैसें निकलती हैं वो प्रदूषण का कारण बनती हैं, ठीक है। अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जहरीली भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सबसे शक्तिशाली जोखिम है। पर्यावरण में क्या इफेक्ट पड़ता है, जहरीली धातुओं जैसे सीसा, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम, PCB, CFC आदि जलने के कारण धुएं के रूप में मिट्टी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। जब ये जलाया जाता है तो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, सॉइल प्रदूषण अपना, जल, वाटर पोल्यूशन, इसके बाद एयर पोल्यूशन, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या चिंताएँ हो सकती हैं आम जनता के साथ साथ इसे संभालने वालों के लिए भी, मतलब आम जनता तो होते ही है, उसके बाद जो लोग इस चीज़ में इंडस्ट्री में कह सकते हैं इसी में काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा अक्सर लैंडफिल में समाप्त होता है। ऐसी संभावित संपत्तियां जिन्हें पुनर्निर्माण प्राप्त किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, तांबा, प्लेटिनम, सोना, चांदी, पैलेडियम आदि, ठीक है, वही अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या की जाती हैं, ऐसे ज़मीन में दबा दी जाती हैं और जो गैसें निकलती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई होगी, अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ, और इसी प्रकार की और क्लास के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।